फरीदाबाद में मुख्यमंत्री नायब सिंह की अध्यक्षता में पेयजल और जल निकासी की समस्या से निजात दिलाने के लिए 2600 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की गई है। आपको बता दें कि मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की 5वीं बैठक में यह अहम निर्णय लिया गया है। इसके अलावा प्रोजेक्ट के तहत 22 रैनी वेल और रिवर्स रोटरी तकनीक से 70 ट्यूबवेल और 8 बूस्टिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। अन्य बूस्टिंग स्टेशनों तक भी पानी की आपूर्ति करने के लिए सब्सिडी बूस्टिंग स्टेशनों के निर्माण के साथ साथ 500 किलोमीटर पाइपलाइन भी बिछाई जाएगी और इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से जलापूर्ति क्षमता 450 MLT तक पहुंच जाएगी।